हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वीकली व्यू के बारे में। अगले हफ्ते निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हम लोगों को कैसा नजर आ रहा है, छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम को मैंने आप लोगों के सामने चार्ट कर रखा है। अब आप लोगों को एक चीज पता है कि निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, बट बैंक निफ्टी अभी भी पिछले रेजिस्टेंस पर है। मतलब आप लोग अगर नोटिस करो तो ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर रखा है 46,340-350 के आसपास है, जो कि पिछला ऑल टाइम हाई था। आई थिंक 369 टू बी वेरी प्रिसाइज, एंड हम लोग 44,814 पे, मतलब 1,500 पॉइंट्स हम लोग लैग कर रहे हैं। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक कर दिया है, बट बैंक निफ्टी ने अभी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया है एंड मैटर ऑफ फैक्ट वो 1,500 पॉइंट्स पीछे है। तो इस हफ्ते हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो कैचअप प्ले करे एंड निफ्टी थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए एक ही जगह पे, या हल्की बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो इस हफ्ते आप लोगों की जो मेन नजर है वो बैंक निफ्टी पर होनी चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट, इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिट पोल्स को काफी ज्यादा हद तक हम लोगों ने डिनाई किया, क्योंकि काफी एग्जिट पोल्स में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विन शो कर रहा था एंड एक्चुअली में बीजेपी वन बाय फुल मेजोरिटी, तो वो चीज भी मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। राजस्थान के अंदर थोड़ा कसा हुआ इलेक्शन एग्जिट पोल्स के अकॉर्डिंग बता रहा था कि कहीं पे कांग्रेस की विन बता रहे थे, कहीं पे बीजेपी की विन बता रहे थे, बट ओवरऑल जो अब तक रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बीजेपी की तरफ ही है एंड एमपी के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़े मार्जिन से विक्ट्री मिली है। तो जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहां पे बीजेपी की विक्ट्री मिलना शुड ऑल्सो बी गुड फॉर मार्केट्स एज ऑफ नाउ। तो इस चीज का ये हमारा मेजर ट्रिगर है इस हफ्ते। इलेक्शंस के रिजल्ट्स काफी फेवर में आए हैं बीजेपी के, जो कि करंट रूलिंग पार्टी है, एंड बैंक निफ्टी आप लोगों को पता ही है लैग कर रहा है, तो आप लोगों का ध्यान इस पर होना चाहिए। अच्छा, दैट बीइंग सेड, अभी हम लोग 44,814 पर है एंड 44,700 के नीचे कोई भी डे कैंडल क्लोज हो जाए तो हम लोगों को फिर एक बियरिश प्रेशर देखने को वहां से मिल सकता है। तो आप लोगों को इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेश बुल मूव 45,000 के ऊपर ही आएगा एंड जो टारगेट है हमारा स्ट्रेट अवे वो ऑल टाइम हाई रहेगा, क्योंकि बीच में आई थिंक एक छोटा सा गैप है, उस गैप पर हम लोगों की इतनी ज्यादा नजर नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सिर्फ निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो कोई ज्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है आप लोगों के लिए। फॉर नाउ द मार्केट स्ट्रक्चर रिमेन्स बाय ऑन डिप्स। इलेक्शन का जो मेजर ट्रिगर था वो बुलिश ही आया है एंड मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बाय ऑन डिप्स ही है, तो कभी भी आप लोगों को इस हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है एंड वो जो प्रॉफिट बुकिंग है वो ज्यादा बड़ी एक बेयरिश रैली में कन्वर्ट नहीं होगी। तो वो जो भी प्रॉफिट बुकिंग की रैली होगी इट विल बी ओनली बाय ऑन डिप्स। ऊपर मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, इस ट्रेंड लाइन को आई थिंक एक टेस्ट मिलना चाहिए इस हफ्ते एंड उस ट्रेंड लाइन के टेस्ट के बाद एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। मतलब कहने का मतलब ये कि देखो अभी हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट अगर आपको देखने को मिले तो कोई मेजर वरी नहीं होगा, बट हम लोग यहाँ से 300 पॉइंट्स ऊपर जाते हैं एंड वहां से रिजेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो हम लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा वरिंग बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ निफ्टी ओनली। तो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन टच होके हम लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ से जब ये ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया एक बड़ा रिट्रेसमेंट मिला, यहां से भी बड़ा रिट्रेसमेंट मिला एंड यहां से भी एक बड़ा रिट्रेसमेंट मिल सकता है। तो उस चीज के लिए आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल ब्रेकआउट का टारगेट जो है 20,500 ही है, 20,200 के नीचे जो कि पिछला ऑल टाइम हाई था हम लोग वहां से बियरिश रहेंगे। बाकी सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीन पर लिख दिया, मतलब लिख क्या दिया, मैंने आप लोगों को बता भी दिया, तो एक बार पॉज कर आप लोग देख लेना। इसके बाद मैं दो चार्ट जो कि मैं आपको ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों जगह आप लोगों को अपडेट कर चुका हूं, बट सिर्फ मैं आप लोगों को एक और बार बताना चाहता हूँ, वो है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में थोड़ा सा आई थिंक कुछ डाउट रह गया, तो थोड़ा इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है गाइस, देखो हम लोगों को एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये जो ब्रेकआउट था ऑलमोस्ट आप लोग देख लो 195-196 पॉइंट्स के आसपास है, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये अभी 203 पर क्लोज हुआ है, ओवरऑल इसने हाई 214 का बना है, ठीक है, जो कि इस वाले हाई से ज्यादा ऊपर था। तो हम लोगों ने जो भी प्रीवियस रैली का प्रीवियस स्विंग का हाई था वो हम लोगों ने काट दिया एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिट्रेस हुए हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर हमको 195-196 का डिप भी देखने को मिलेगा तो इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। बड़ी बात क्या होगी कि इस लेवल के नीचे कोई डे कैंडल क्लोज हो जाए
तो वो हमारे लिए थोड़ी सी बड़ी बात होगी एंड तब हम लोग थोड़ा सा चिंता करेंगे। अदरवाइज मेरे को लगता है कि अच्छा खासा स्ट्रक्चर है हमारे पास, बुलिश स्ट्रक्चर। एंड अब आप देख लो, ब्रेकआउट ऑफ द डायगनल ट्रेंड लाइन डन, ईयरली हाई ब्रोकन फॉर अ शॉर्ट बाय, ठीक है। फिर से एक और ट्राई मिलेगा पोटेंशियली इस रिटेस्ट के बाद या 207 को तोड़ने के बाद, बट ये जो चार्ट है मेरे हिसाब से हल्का सा बुलिश है। इसके बाद अगर आप लोग देखो ओवरऑल पोटेंशियल अपसाइड जो है 213 245, किस बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, सिर्फ आप लोगों को फिबनाची के बेसिस पे बता रहा हूँ। फिबनाची मैंने कहाँ से कहाँ तक लगाई है, इस स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक लगाई है। एंड ऊपर ये जो मैंने -38 वाले जो लेवल है, ये 138% वाले लेवल है, सिंस ये यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है तो ये -38% में जा रहा है। ओके, तो ये जो दो है 230 एंड 245, ये दो हमारे पोटेंशियल अपसाइड के लेवल्स हैं जिनके ऊपर हमारी नजर रहनी चाहिए। बियरिश का केस बता दिया, 196 के नीचे कोई भी क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो वो हमारी तरफ से थोड़ा सा बियरिश इंडिकेशन ट्रिगर कर सकता है। इसके बाद अभी अभी जस्ट अभी मैंने आप लोगों को चार्ट डाला है नोसेल का, ये भी चार्ट आई थिंक एक ओवरऑल हमको ट्रेंड लाइन वीकली टाइम फ्रेम पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये 2021 का हाई था, यहाँ से एक डाउन डाउन ट्रेंड बन रहा था, यहाँ पर एक फेकआउट मूव भी देखने को मिला जो कि मैंने स्पेशली आप लोग के लिए सर्कल से मार्क कर रखा है। इस लेवल से एक रिजेक्शन देखने को मिला। ओवरऑल अभी हम लोग यहाँ पर एक स्टॉप हंट देने के बाद इस ट्रेंड लाइन के आसपास सस्टेन कर रहे हैं। तो देखो 246 पे चल रहा है, 250 जो है इसका ब्रेकआउट जोन है, उसके ऊपर मतलब ये यहाँ पर लोकल हाई है। आप अगर पिछला हाई देखोगे तो ये हम लोग को सितंबर में देखने को मिला था, एंड इवन दैट वाज 255। 255 हमारे पास 50% फिबनाची का लेवल है। अगर हम इस हाई से इस लो की बात करें, इस लो की बात करें इस हाई से, तो मैंने आप लोगों के लिए फिबनाची के लेवल्स मार्क कर रखे हैं। 255 जैसे ही ब्रेक करेगा एक बहुत अच्छा खासा हम लोग को मूव देखने को मिलना चाहिए। ऑल्दो ये जो ट्रेंड लाइन है ये 250 पर ही ब्रेक हो जाएगी, बट अगर आपको फिर भी थोड़ा सा एक अशोर्ड मूव चाहिए तो आप उसके लिए 255 का वेट कर सकते हो। पोटेंशियल अपसाइड स्टैंड्स एट 271 एंड 282, 256 रिमेन्स अ मेजर रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ। 240 के नीचे अगर हम लोग यहाँ से जाते हैं तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि हम लोग यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो चुके हैं, एंड फिर हम लोग वापस से यहाँ 210 215 तक विजिट कर सकते हैं। तो वो आप लोग देख लेना, बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आप लोग के लिए स्क्रीन पर लिख दिया है। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माई साइड। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई है, आप लोगों को पता होगा मैं मिनी फुटबॉल का वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया था यूएई में, तो वहां से थोड़ा सा फ्लो टूटा था, उससे पहले हमारा कैंप लगा था। एंड अब मैं वापस आया हूँ, थोड़ा सा मैं टाइम जो है इंस्टाग्राम को डिवोट कर रहा हूँ। आप लोगों को अपडेट्स में कोई भी कमी नहीं रह रही, आप लोगों को ट्विटर पर, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे रोज के चार्ट्स मिल रहे हैं, और आप लोग देख रहे होंगे कि इंस्टाग्राम भी हमारा ग्रो कर रहा है। एंड बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि आसान चीज है, बट नहीं, इंस्टाग्राम पर भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो रादर देन यूट्यूब पर वीडियो बनाना, उससे बेटर मैं अभी क्या सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए रेगुलर चार्ट्स डालू, आप लोगों को डेली अपडेट्स दू, और मैं थोड़ा फॉर्मेट भी आप लोगों के लिए यूजर फ्रेंडली कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं चार्ट पे ही आपको सब कुछ लिख के बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड धीरे धीरे करके अभी वापस से वीडियो वाले रूटीन में हम लोग आएंगे। सो प्लीज ज्यादा से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो टेक केयर, गुड बाय, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।